ये कहानी है रांची शहर के राजा शमशेर सिंह की, जिसने अपनी सबसे प्रिय रानी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। आज भी राजा और रानी का मृत शरीर एक कक्ष में बंद है और आज भी उस कक्ष से मंजुलिका के गाने की आवाज आती है और राजा के गुनगुनाने की। राजा अपनी रानी यशवनी और अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन काट रहा था। एक दिन राजा के मित्र राजा बुलंदर का जमशेदपुर पूरी तरह से लुट गया। राजा अपनी बेटी मंजुलिका के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राजा शमशेर सिंह के पास पहुंच गया और अपनी बेटी से विवाह कर लेने की दरख्वास्त करने लगा। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरे पिता के समान हैं, परंतु मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। मेरी बेटी का पूरा जीवन पड़ा है, हमारा सब कुछ लुट गया, मेरी उम्र भी हो गई है, मेरे बाद मेरी बेटी की देखरेख कौन करेगा? क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मित्र, तुम ही कुछ कर सकते हो। इतना कहते ही राजा बुलंदर रोने लगा। दूसरी ओर बुलंदर की बेटी मंजुलिका वहां उपस्थित हो गई। मंजुलिका के चेहरे की मासूमियत देख राजा मोहित हो गया और विवाह के लिए ना नहीं कर पाया। और फिर राजा बुलंदर ने अपनी बेटी का विवाह राजा शमशेर से करा दिया। राजा शमशेर और मंजुलिका का प्यार दिन भर दिन गहरा होता रहा, यहां तक कि मंजुलिका का चेहरा देखे बिना और मंजुलिका की सुरीली आवाज में गाना सुने बिना तो जैसे राजा की सुबह ही नहीं होती थी। जिसे देख यशवनी बहुत परेशान होने लगी। राजा तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है, जब से उनका विवाह हुआ है मानो जैसे मुझे तो वो भूल ही गए हैं। हाँ रानी साहिबा, आप सही कह रहे हो, राजा जी तो दूसरी रानी के साथ ही रहते हैं। अब कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई मुझे नहीं पूछेगा। पर ऐसा क्या किया जाए कि राजा मेरे बस में हो जाए। रानी साहिबा, कल सुबह राजा जी ने शहर से बाहर जाना है, फिर रात्रि के बाद अगली सुबह को ही लौटेंगे। मेरे पास एक तरकीब है। हाँ, ये सही तरीका है। दासी यशवनी के कहने पर बाबा के पास जाती है, उन्हें सारी बात बताती। बाबा आप ही हल निकाले, रानी साहिबा बहुत परेशान है। रानी साहिबा जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, तुम्हें बस रानी मंजुलिका का एक बाल लेकर आना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, कल सुबह होते ही मैं ले आऊंगी। महल आकर दासी रानी यशवनी से सब बात कर लेती है और रानी साहिबा की आज्ञा लेकर सुबह होते ही दासी छुपते छुपाते रानी मंजुलिका के कक्ष में जाकर वहां से गिरा हुआ बाल उठाकर बाबा को लाकर दे देती है। हरिम भंग
हरम भंग हरम छोशो शाशाल, हरिम भंग हरम भंग हरम छोशो शाशाल, हरिम भंग हरम भंग हरम छोशो शाशाल। बाबा एक गुड़िया से रानी का बाल बांध देता है, जिससे रानी की जान उस गुड़िया में आ जाती है। रानी वही करती है जो उस गुड़िया के साथ किया जाता है। दासी वो गुड़िया लाकर रानी यशवनी को दे देती है। अब रानी हमारे बस में है, अब मैं उसे इस महल से और राजा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। जब राजा शहर से लौटा तो सीधा रानी से मिलने गया, पर वो देखकर कुछ समझ नहीं पाया क्यों रानी कुछ अलग सा ही बर्ताव कर रही थी। कभी अपने सर को घुमा रही थी तो कभी अपने आप को शीशे में देख बातें करने लग जाती, तो कभी जोर जोर कर हंसने लग जाती। राजा बहुत घबरा गया। रानी की हालत देख राजा रोने लगा। रानी मंजुलिका, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? कुछ बोलो, तुम बोलती क्यों नहीं? लगता है रानी पर कोई ऊपरी साया है। दासी बता रही थी उनके गांव में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, पर उस लड़की को कोई नहीं बचा पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं अब? कैसे ठीक करूं अपनी मंजुलिका को? तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ। राजा मंजुलिका की ऐसी हालत को देख दूसरे कक्ष में आकर मंत्री से इस बारे में बातचीत करने लगा कि रानी मंजुलिका को कैसे ठीक किया जाए। इतने में यशवनी अपनी चाल चल देती है। अब सही समय है, आज मंजुलिका को मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। यशवनी गुड़िया के हाथ में चाकू पकड़ाकर रानी मंजुलिका का गला काट देती है। उधर मंजुलिका वैसे ही अपने साथ करती है। उसी दौरान राजा अपनी आंखों से रानी मंजुलिका को अपना गला काटते हुए देख लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। राजा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं मंजुलिका, मैं आ रहा हूं। ये कहकर राजा अपने आप को खत्म कर लेता है। तभी वहां यशवनी आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये क्या अनर्थ हो गया राजा, आपने ये क्या कर दिया? मैंने आपको पाने के लिए ये सब किया और आप हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए ही दूर हो गए। रानी साहिबा, रानी साहिबा, अपने आप को संभालो। इस मंजुलिका को ले जाओ यहाँ से, जाकर कहीं किसी कोने में फेंक दो। सब इसकी वजह से ही हुआ है। पहले भी इसकी वजह से ही मैं दूर हुई, आज भी इसकी वजह से मेरे राजा मुझसे दूर हो गए। जी रानी, ऐसा ही होगा, आप संभालें अपने आप को। सैनिक को बुलाकर मंजुलिका को उठाया गया, पर जैसे जैसे वो उठाने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे मंजुलिका का शरीर भारी होता गया। बहुत कोशिश के बाद भी कोई उठा नहीं पाया। सैनिक देखकर डर गए। रानी मंजुलिका का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और रानी मंजुलिका ने बहुत भयानक रूप ले लिया और फिर रानी
मंजुलिका उठकर हवा में उड़ने लग गई। यशवनी, तूने ये अच्छा नहीं किया। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। अब कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। तूने मुझे कुड़िया में कैद कर जान से मार डाला। अब तू और तेरी ये प्रियदासी नहीं बचेगी। नहीं, नहीं, मुझे कुछ मत करना। जाने दो मुझे। बचाओ, कोई तो बचाओ। रानी साहिबा, कुछ नहीं होगा आपको। जैसे ही दासी बचने के लिए आगे बढ़ी, मंजुलिका ने उस पर वार कर उसे वहीं भस्म कर डाला और फिर यशवनी भी नहीं बच पाई। तब से आज तक मंजुलिका का कक्ष बंद पड़ा है। आज भी उस कक्ष के बाहर से निकलो तो मंजुलिका के गाने की और राजा के गुनगुनाने की आवाज आती है। जो भी उस कक्ष को खोलने का प्रयास करता है वो वहीं जलकर भस्म हो जाता है।